हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो और आज इस वीडियो में हम ये फैड इन इमेज फैड इन इफेक्ट बनाने वाले हैं यूजिंग ओनली एच टी एम एल एंड सी एस एस सो यहाँ पर हम एनिमेशंस को यूज़ करेंगे और जिस तरह का इफेक्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है वो इफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे ओके सो नाउ गाइज बिफोर वी स्टार्ट आई जिस वो से कि अगर आपने अभी तक वेबिनार अटेंड नहीं किया हो तो मेक श्योर टू अटेंड द वेबिनार आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो इन जस्ट नी डेज इन वेब डेवलपमेंट सो मेक श्योर टू डू दैट और मैं डायरेक्टली जम्प करूँगा अपने कोड एडिटर में एंड वी विल going टू स्टार्ट सो सब सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एक फाइल है उसके बाद स्टाइल डॉट सी एक फाइल है दो यहाँ पे फाइल है तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर मैं अपना ये बना लेता हूँ मैं आपको फाइल स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इमेज स्टाइल डॉट सी एसेस डॉक्यूमेंट की जगह में इमेज इफेक्ट डाल देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर यह हो जाएगा उसके बाद फॉन्ट मुझे लिंक करना है ठीक है आ, वैसे फॉन्ट की जरूरत नहीं क्योंकि फॉन्ट हम यहाँ पे यूज कर नहीं रहे तो वट हम यहाँ पे स्टाइल डॉट चाहिए लिंक कर देंगे ठीक है स्टाइल डॉट चाहिए हमने लिंक कर दिया अब इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंटेनर डॉट कंटेनर ठीक है और इसके अंदर हो जाएगा डॉट स्लाइडर ठीक है तो सिर्फ ये दो फाइल्स की ही हमें जरूरत है इन के अलावा हमें कोई भी फाइल्स की ज़रूरत नहीं है इसको मैंने सेव किया और मैं स्टाइल डॉट सी पर चले जाऊँगा और अब सारा काम जो है हमारा वो स्टाइल डॉट सी पर ही होगा गाइस बहुत सिंपल इसका सी एस एस है आ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा सभी को सिलेक्ट करूंगा और जो इसकी मार्जिन है उसको कर दूंगा ज़ीरो ठीक है उसके बाद इसकी जो पैडिंग है उसको भी ले लूँगा मैं ज़ीरो उसके बाद बॉक्स साइजिंग जो है वो कर दूंगा मैं बॉर्डर बॉक्स ओके okay, और बैकग्राउंड कलर इसका हो जाएगा हैश थ्री वन थ्री वन थ्री वन ठीक है तो ये सारी चीज़ें होगी हमारी उसके बाद डॉट कंटेनर को ले लेंगे हम कंटेनर के अंदर विथ जो है वो दे देंगे हम हंड्रेड परसेंट उसके बाद हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी हंड्रेड वी उसके बाद डिस्प्ले हो जाएगा हमारा फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट हमारा हो जाएगा सेंटर ठीक है और अलाइन आइटम्स हमारे हो जाएंगे सेंटर ठीक है तो ये हमारा कंटेनर का जो भी सेटिंग्स है और स्टाइलिंग है वो हो जाएगा फिर यहाँ पे स्लाइडर को हम लेंगे जिसके अंदर इमेजेस जो हैं वो सारी इसके अंदर होगी तो विथ हो जाएगी हमारी थाउजेंड पिक्सल हाइट हमारी हो जाएगी यहाँ पे फाइव हंड्रेड पिक्सल उसके बाद बैकग्राउंड यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नहीं वी विल बी डूइंग बैकग्राउंड और दैट विल बी यूआरएल और यूआरएल हो जाएगा हमारा इमेजेस और यहाँ पे टू ले लेते हैं ठीक है तो ये हो जाएगा और बैकग्राउंड साइज़ हमारा हो जाएगा यहाँ पे कवर ठीक है और यहाँ पे हम एनिमेशन दे देंगे ठीक है तो ये सब कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है हम क्या कर देंगे स्लाइड आ, ये यहाँ पे हम देंगे ट्वेंटी सेकेंड ठीक है और इतनी सब चीज़ें हम यहाँ पे नहीं डालेंगे इसको हम कर देंगे इनफाइनइट ठीक है Uh, इसको मैं गो लाइव करता हूँ आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो अभी सिर्फ यहाँ पे सिंगल एक इमेज दिखाई दे रही है और कोई भी इफेक्ट अभी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है बट अभी हमने उसको स्टार्ट नहीं किया है वो स्टार्ट करेंगे तो वो काम करने लगेगा तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद स्लाइडर के नीचे आता हूँ और यहाँ पर हम लगाएंगे एट द रेट की फ्रेम्स ठीक है एट द रेट की फ्रेम्स लगाएंगे और क्या हमने एनिमेशन का नाम दिया एनिमेशन का नाम दिया स्लाइड अब ये जो नाम है इसको आप कुछ भी दे सकते हो लाइक इट रियली डजेंट मैटर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चाहो तो आप कुछ भी दे सकते हो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे ट्वेंटी फाइव परसेंट और यहाँ पे मैं ले लूँगा बैकग्राउंड ठीक है बैकग्राउंड हो जाएगा यू और यू के अंदर डॉट स्लैश इमेज और फोर डॉट इमेज फोर ले लेंगे हम यहाँ पे ठीक है अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इमेज का ऑर्डर आप कुछ भी रख सकते हो इट रिली डजेंट मैटर और बैकग्राउंड साइज़ जो है वो हम ले लेंगे यहाँ पे कवर ठीक है इसको मैं सेव करता हूँ जाके देखता हूँ तो आप देखोगे कि ये इस तरीके से फेड हो रहा है ठीक है सो so, ये इफ़ेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट uh, कर पाए हैं देखो वापस से ये फेड हो के उस पर चला गया और दो सेकेंड में ये पूरा उस तरीके से यहाँ पे फेड हो रहा है यू कैन सी दैट द difference, ठीक है तो अब हम इसको आगे और करेंगे ट्वेंटी फाइव परसेंट लिया ना इसको मैं कॉपी कर लूंगा कितनी बार आ, तीन बार और एक दो तीन चार ठीक है अब यहाँ पे मुझे क्या करना है सिंपली पच्चीस परसेंट है ना पचास परसेंट के लिए सेट करना है इमेज जो है वो चार थी तो यहाँ पे इमेज जो है मैं एक ले लूँगा ठीक है उसके बाद यहाँ क्या करना है सेवेंटी फाइव परसेंट के लिए करना है मतलब कितने परसेंट क्या दिखेगा वो हमको यहाँ पे मेंशन करना है यहाँ पे हम पाँच ले लेंगे और फाइनली यहाँ पे हंड्रेड परसेंट होगा और हंड्रेड परसेंट के लिए हम क्या कर देंगे यहाँ पे थ्री कर देंगे तो उसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ जाता हूँ और देखोगे आप कि जो इमेजेस हैं वो यहाँ पर इस तरीके से फेड हो रही है और यहाँ पर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं ठीक है सो so, ये चेंजेस uh, हैं और इस तरीके से आप इसको कर सकते हो सो इट्स अ ग्रेट इफ़ेक्ट और बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाई दे रहा है इसमें अगर आप और सेटिंग्स करेंगे और चीज़ें अगर चेंज करेंगे तो और भी चेंजेस कर सकते हैं बहुत ही छोटा सा क्विक ट्यूटोरियल ये मैंने बनाया है आई होप आपको पसंद आया होगा एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इस वीडियो को लाइक करें एंड अगर आपने अभी तक वेबिनार के लिए रजिस्टर नहीं किया हो तो मेक श्योर टू डू दैट एंड आई विल गोइंग टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो बाय बाय